डॉक्टर व्यास, ये जो ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं और आप देखिए इसकी एसओपी बनाने की बात भी चल रही है कि एक एसओपी बनाई जाएगी, तो अभी अभी स्थिति क्या है इस देश में? क्या ब्लैक फंगस को लेकर के अभी भी किसी मानक यानी कि स्टैंडर्ड प्रक्रिया का अभाव है? यानी कि हर राज्य में, जिस राज्य में भी ये मामले सामने आ रहे हैं, क्या ऐसी कोई प्रक्रिया प्रोटोकॉल बना हुआ है जिसका हर कोई पालन करे, या अभी उसमें टाइम लगेगा? नहीं, ये पहली बात यह है कि एक प्रकार से ब्लैक फंगस आज से नहीं, बहुत सालों से हम लोग देख रहे हैं जी। ये ब्लैक फंगस के बारे में जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं वो भी वेल वर्ल्ड सभी लोगों को पता है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। हाँ। इसके बारे में जो भी उपलब्ध दवाइयां हैं या जिससे इलाज किया जाता है वो सब डॉक्टर्स को पता है। हाँ। और इस बार नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा रही, डायबिटिक्स उसमें से एक बहुत बड़ा हमारा ऐसा बहुत बड़े ऐसे ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स है जिनको डायबिटीज है। हाँ। तो हमारे हिंदुस्तान, वैसे भी हम कहते हैं हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो इस कारण से अब की बार जो है नंबर ऑफ केसेस। डॉक्टर राजू, एक बात मैं और ऐड करूंगा, ये ठीक है कि पहले से चीजें बनी हुई हैं, लेकिन जो कोरोना की विपदा है इस दौर में, जो ब्लैक फंगस बढ़ रहा है, क्या इसको लेकर के जैसे कि महाराष्ट्र में कोशिश हो रही है कि वो लोग एक एसओपी डेवलप करने की बात कर रहे हैं, इस कोरोना के मुद्दा काल में ब्लैक फंगस को लेकर के क्या जरूरत है? आपको लगता है कि कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बने? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बड़ा सिंपल है और उसके लिए कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो लोग मॉडरेट टू सीवियर कोविड इन्फेक्शन से ग्रसित हुए हैं, मैं बार बार आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, वो अपने फिजिशियन के संपर्क में अगर रेगुलर रहते हैं और फेस या आंखों के इर्द गिर्द, जैसा कि मैडम ने भी बताया, उसके इर्द गिर्द कोई भी स्वेलिंग, कोई ललाई, कोई दर्द कुछ होता है, तो अपने डॉक्टर से पहले संपर्क करें। अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट करके इसका इलाज करते हैं तो इसके कारण से जो आने वाली विपदाएं हैं उससे हम बच सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको प्रोलॉन्ग करते हैं तो उसके कारण से ज्यादा लोगों के अंग के इंजरी होने की, या इसको बिल्कुल नहीं टालें, गंभीरता से लें। और हमारे साथ में अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, बलबीर हिमाचल से जुड़ चुके हैं। बलबीर, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर जी, मेरा सवाल है, मेरा बेटा है 21 साल का, उसको स्किन एलर्जी है, तो 5 साल से वो दवाई ले रहा है सर, तो वो क्या वो कोविड वैक्सीन लगवा सकता है? क्या उम्र क्या बताइए अपने बच्चे की? 21 साल। डॉक्टर संजीव, 21 साल का अगर वो, मतलब इट्स एडल्ट ओनली है ना, 18 साल से ऊपर एडल्ट मानते हैं, और जितनी भी हल्की फुल्की एलर्जिक जो रिएक्शंस हैं उसके लिए वैक्सीन कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, वैक्सीनेशन आप करवा सकते हैं। पर जरूर है कि एक बार अपने जो भी फिजिशियन, आप जिनको अपन रेगुलर टच में रहते हैं, उनको एक बार दिखाइए, उनसे बात करिए कि इन चीजों से एलर्जी है। ज्यादातर केस में माइनर एलर्जी के लिए वैक्सीनेशन आप इजीली करा सकते हैं, सेफली करा सकते हैं। कई बार वो कोई एंटीस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक दवा भी देते हैं कि ये वैक्सीन से पहले ये ले लीजिए ताकि वैक्सीन से होने वाली एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगी। उन्हीं व्यक्तियों में आपको वैक्सीनेशन अवॉइड करना है जिनमें कि एनाफाइलेटिक रिएक्शन या सीवियर रिएक्शन की हिस्ट्री रही है पहले, जिसके लिए अस्पताल में दिखाना पड़ा हो, वो कोई लाइफ सेविंग इंजेक्शन लगाना पड़ा हो, एडमिट करना पड़ा हो, वो ही उन्हीं केसेस में वैक्सीनेशन अवॉइड करते हैं। अगर माइनर एलर्जी के लिए आप अपने फिजिशियन को दिखा के वैक्सीनेशन करवा लीजिए, वो सेफ होगा। बिल्कुल, तो देखिए इस बात पे ध्यान दीजिएगा जो डॉक्टर संजीव कह रहे हैं कि जहां पर बहुत ही ज्यादा रिएक्शन से जिनकी हिस्ट्री है, यानी कि जिनको दवाओं का वैक्सीन का रिएक्शन हो जाता है, जिनकी ऐसी हिस्ट्री है, तो वो ज़रूर एहतियात बरतें, अपने डॉक्टरों के संपर्क में रहें, और बाकी हाई रिस्क जो कैटेगरी है उनके लिए भी कहा गया है कि वो वैक्सीन से बचे नहीं, घबराए नहीं। और अगले कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ में, दिल्ली से ही जगराज। हाँ जगराज जी, पूछिए। नमस्कार सर जी, पूछिए। सर मेरे को कोरोना हुआ था अभी 1 महीने से, कोरोना था, 15 दिन हॉस्पिटल रहा मैं, घर पे आ गया हूँ, 10 दिन हो गए। लेकिन अभी मेरे को सारे को एलर्जी हो रही है, सिर का दर्द बंद नहीं होता, दोबारा बुखार चढ़ता है। डॉक्टर नीलम, देखिए मैं दो चीज पहले स्पीकर्स की कमेंट पे बोलना चाहूंगी बिफोर आई फॉरगेट, कि लोगों को ये मानकर अच्छा खुशी होगी कि एक्चुअली जो हम ट्रीटमेंट यूज करते हैं ब्लैक फंगस, जो भी एक्चुअली नाम भी गलत है, उसको म्यूकरमाइकोसिस बोलना चाहिए, लेकिन अब वो फैल गया ब्लैक फंगस इजी तो बोल रहे हैं, बट एक्चुअली म्यूकरमाइकोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक फंगस। उसमें एम्फोटेरिसिन हमारी देश में सिर्फ 1700 वायल्स आती थी पहले, क्योंकि बहुत रेयर यूज होता था, लेकिन अभी ऑलरेडी लैक्स के प्रोडक्शन में इनकी मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्ट करने के लिए बहुत बता दिया क्या, क्योंकि ये हमारे देश में नहीं बन रहा था।
तो ये डॉक्टर्स को यूजुअली ये ट्रीटमेंट 3 से 6 हफ्ते इंजेक्शंस लगते हैं, उसके बाद 3 से 6 महीने गोली भी चलती है। तो नंबर वन, ये ट्रीटमेंट छोटा मोटा नहीं है, ये लंबा ट्रीटमेंट होता है, इसीलिए सतर्क होना बहुत जरूरी है जिनको डायबिटीज और स्टीरॉयड हाई डोज पे है, नंबर वन। नंबर टू, आप ये जो आपके बता रहे हैं कि उसके बाद हो रहा है, यूजुअली आपको थकान काफी टाइम तक रह सकती है, लेकिन अगर कोई भी सिम्टम जो मैंने आपको पहले बताए हैं, जिसका मतलब सर आंख और जबड़ा और छाती से रिलेटेड ना हो, तो वो हम वीकनेस के कारण कह सकते हैं। और आपको जो डॉक्टर्स एक सपोर्टिव मेडिसिन देते हैं, मल्टीविटामिन सी डी एसेट्रा बोलें, और आहिस्ता आहिस्ता आपका बॉडी रिकवर होगी, एक हेल्दी डाइट लें, अच्छा सोचें एंड पॉजिटिव थिंकिंग, गुड स्लीप, ऑल दिस थिंग से आप बिल्कुल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।